एजीएम के पोस्ट पे है ना, अपना नाम एक बार बता दीजिएगा पहले। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना मैडम, कि आम पब्लिक का इतना ज़्यादा शिकायत है। या तो आप इसमें सम्मिलित हैं, या फिर डीलर सम्मिलित हैं, या एमओ साहब सम्मिलित हैं। सम्मिलित तो सब लोग हैं, तभी तो हो रहा है ना। देख लीजिए ये लगा हुआ है, बताइए आपको आपको जाके बार जांच कीजिए यार, और जगह पे कांटा पे नाप नाप के वो लिख लिख करके जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये गलत है कि नहीं, मानवता के नाते बोलिए, गलत है कि नहीं है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। कुंटल चल जाएगा बिना नापे, 18 कुंटल भी जा सकता है तो 2 कुंटल कहाँ से पूर्ति करेगा। हाँ उचित है, गलत है ना। अच्छा रखिए रखिए, नहीं आप बस इतना बोल दीजिए, संतुष्टि हो जाएगा। आपका नौकरी इसमें नहीं जाएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। महाराज गरीब आदमी है, आप लोग का भी हक मारा जा रहा है। हाँ ना बोलिए, गलत है, गलत है ना। तक में हम 2-3 प्रखंड विजिट कर चुके हैं, इस प्रखंड में भी वही हो रहा है जो और प्रखंड में हो रहा था। यहाँ भी बिना मापे डीलर को माल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। पूरा डाटा एंट्री होना चाहिए, पूरा वजन होना चाहिए, इसके बाद जाना चाहिए। बाकी एजीएम साहब से हम बात करेंगे, बाकी ये भैया यहाँ काम करते हैं, भैया को हम कोई डिस्टर्ब नहीं पहुंचाए, लेकिन भैया सच बोलने से डर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम जरूर सच दिखाएंगे। क्योंकि गोराडी प्रखंड है, यहाँ पे भी जो अनाज गोदाम से लोड होता है डायरेक्ट डीलर के पास, डायरेक्ट बिना माप किए जाता है। यहाँ पे कौन लोड करवा रहा है? लोड को आप करवा रहे हैं, डीलर है आप डीलर हैं? डीलर यहाँ कौन है? कोई डीलर यहाँ नहीं आता है। डीलर नहीं आता है, गाड़ी गाड़ी लेके कौन आया है? गाड़ी ठेकेदार का गाड़ी है, ठेकेदार गाड़ी है। यहाँ पे कोई तो आया होगा, अनाज कहाँ जाएगा? अनाज कहाँ जाएगा? ये अनाज जाएगा डीलर के यहाँ, शंभू पैक्स के। कहाँ जाएगा? शंभू मंडल, शंभू पैक्स डीलर। अच्छा शंभू मंडल के यहाँ जाएगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट मैनेजर होंगे ना? ट्रांसपोर्ट मैनेजर कौन है, कौन है ट्रांसपोर्ट मैनेजर यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट मैनेजर आप हैं? कौन है ट्रांसपोर्ट मैनेजर यहाँ पे? खाने के लिए गया हुआ है। आप यहाँ क्या करते हैं? मेरा काम है ऑपरेटर की किरण। अच्छा क्या अपडेट करते हैं? सिर्फ चालान निकालना है। चालान निकालना, चालान निकालना। अच्छा ये बताइए अनाज यदि माप करके क्यों नहीं जाता है, डायरेक्ट बोरा लोड हो रहा है डीलर का जाने के लिए, क्या क्या दिक्कत क्या है? ये तो ट्रांसपोर्ट बताएगा। ट्रांसपोर्ट वाले भैया कहाँ है वो? खाने गया है। बाकी आपको हम आपको दिखा देंगे, डायरेक्ट लोड हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट लोड भैया होना चाहिए। बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हम नहीं जानते, हम तो लेबर आदमी। अच्छा लेबर आदमी है, लेकिन अनाज जो जाता है डीलर का जो जाता है वो नाप के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो नाप के लेता है। यहाँ से नाप के कहाँ ले रहा है? सीधे बोरा भर दे रहा है। किसी में 40 है, किसी में 51 है, 51 किलो जाना चाहिए ना? हाँ गलत है कि नहीं, इतना बता दीजिए खाली। हाँ नहीं बताइए, यह तो अब जानेगा ट्रांसफर। अरे महाराज गरीब आदमी है, आप लोग का भी हक मारा जा रहा है। हाँ ना बोलिए, गलत है, गलत है ना। डरिए नहीं, ना क्या भैया आप भी यहाँ पे ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अपडेट कर रहे हैं, बिना मापे जा रहा है, एवरेज माल जा रहा है, डीलर के पास परिपूर्ण माल नहीं पहुँच पाएगा, तो ये चीज गलत है कि नहीं है? खाली इतना बोलिए, मानवता के नाते बोलिए, गलत है कि नहीं है? देखिए गलत, देखिए बात आपका कहना उचित है, लेकिन गलत है कि नहीं? हाँ ना बोलिए ना, आपका कहना उचित है, लेकिन बशर्ते ये है कि हमारे पास मान के विकल्प नहीं है। क्या विकल्प नहीं है? वजन करके देना है, विकल्प क्या नहीं है हमारे पास? जो एक तो पीएमजी है, दोनों आवंटन है, 20 दिन में बांटना है, 20,000 कुंटल है, आप बताइए कैसे नपाएगा? ठीक है, तो कैसे नपाएगा? जो जो नियम है, जो नियम गवर्नमेंट यहाँ पे धर्म काटा लगा दे तो चला जाएगा। काहे आपको और भी हम प्रखंड दिखा दे जहाँ काटा लगा हुआ है, इससे बड़ा बड़ा प्रखंड में काटा लगा हुआ है। लगा हुआ है बताइए आपको, आपको जाके बार जाँच कीजिए यार, और जगह पे कांटा पे नाप नाप के वो लिख लिख करके जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये गलत है कि नहीं? मानवता के नाते बोलिए, गलत है कि नहीं है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, गलत है कि नहीं है? देखिए आपका भी है हमारा, आप यहाँ काम कर रहे हैं, 8-10 हज़ार महीना मिलता होगा? नहीं 10,000 नहीं मिला। कितना मिलता है? 5,000 मिलता है जी। कम से कम आपको सच बोलना चाहिए, आपका नौकरी नहीं जा रहा, इसमें आप सम्मिलित नहीं है। ये बताइए कि जब तक नाप करके अनाज नहीं जाएगा डीलर के पास, तो डीलर जो आम पब्लिक को बांटता है वो सही से कैसे बांट पाएगा? आप खुद अंदाजा लगाइए। कोई जरूरी है कि उसको 20 कुंटल माल जाना चाहिए, 20 कुंटल चल जाएगा बिना नापे, 18 कुंटल भी जा सकता है, तो 2 कुंटल कहाँ से पूर्ति करेगा? हाँ उचित है, गलत है ना। खाली इतना बोलिए ना, गलत है, गलत है ना। अच्छा रखिए रखिए, नहीं आप बस इतना बोल दीजिए, संतुष्टि हो जाएगा। आपका नौकरी इसमें नहीं जाएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, गलत है ना ये? ऑल टू ऑल ऐसा नहीं हो रहा है पूरे बिहार। हाँ गलत हो रहा है ना, पूरे बिहार हो रहा है इस तरह, ऐसा नहीं है। अच्छा छोड़िए, पूरा बिहार को भी हम टारगेट करेंगे, पूरा पूरा बिहार को भी टारगेट करेंगे, यहाँ गलती हो रहा है ना? सुनिए ऊपर से आप सुधार दीजिए, हम लोग सुधर जाएंगे। अच्छा ऊपर से क्या गलती है आप भी बताइए, तब ना ऊपर जाएंगे। मान के चलिए गाड़ी आया, ठीक है, इनको नापने के लिए हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास भी तो वही विकल्प है, इस ट्रक को हम नापेंगे, सुनिएगा, फिर इसको हम वजन करके देंगे, हमारे पास टाइम का
जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो लेबर लोग काम करते हैं किस लिए काम करते हैं? कुछ नहीं करना, जो बोरा उठा के इधर से उधर डाल रहे हैं, एक बार तराजू ऊपर रखेंगे कि लिखने वाला बैठेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा कीजिए ना, हमारे जगह आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, नहीं है कोई बात नहीं, अगर हमारा काम होता हम जरूर नापते। सुनिए सुनिए, हमारा काम अगर होता हम जरूर नापते। रखेंगे नहीं, अब बताइए ना, इस कांटे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे बड़ा कांटा भी तो आता है। इतना बड़ा जब पूरे प्रखंड में यहाँ से माल जा रहा है, क्या वो कांटा नहीं ले सकते वो लोग? वही तो कह रहे हैं, गवर्नमेंट दे देगा तो हम लोग को देने में कोई तकलीफ नहीं। एजीएम साहब, एजीएम साहब कहाँ है? एजीएम साहब दो जगह परिवार में, दो जगह परिवार में है, यहाँ भी है और नाथनगर, नाथनगर में भी है। तो अभी अभी कहाँ है? नाथनगर में। नाथनगर तो बिना उनके मतलब संरक्षण में यहाँ चल रहा है, मतलब जो भी चल रहा है। हाँ, तो देख रेख में चल रहा है, देख रेख में चल रहा है। अच्छा, ये सीधा लगा हुआ, आप भी कमाने खाने वाले हैं, हम आपको टारगेट करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है हम उसको टारगेट करने के लिए आए हैं। सीधा सवाल था कि गलत हो रहा है कि नहीं, आप सीधा बोलते हैं हाँ गलती हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम का फॉल्ट है, सीधा बात है। तो आपको तो बताइए रहा कि सिस्टम ऊपर से आ जाएगा सही तो नीचे भी सही है। अब कितना ऊपर जाए हम, प्रधानमंत्री के पास जाए, बताइए। हम प्रखंड के जो यहाँ मेन गोदाम में है, हम गोदाम आए हुए हैं, अब कहाँ जाएं बताइए आप? बात तो उचित है, डीलर के पास भी नहीं गए, हम सीधे प्रखंड गोदाम आए हैं, अब कहाँ जाएं? आप ही बता दीजिए, जाते हैं वहाँ हम? नहीं, हम क्या बोलेंगे, हम कितना अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है ना, इसीलिए सच बोलिए कि यहाँ गलत हो रहा है। हर जगह ऐसा नहीं चल रहा है सर जी, हर जगह ऐसा नहीं। अच्छा, एजीएम साहब का नंबर दीजिए, नंबर है? नंबर देते हैं, ठीक है, नंबर लेते हैं फिर बात करते हैं हम। हेलो, 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 हाँ जी मैडम, हम सिल्क टीवी से आर्यन बात कर रहे हैं। जी बोलिए। आप एजीएम के पोस्ट पे है ना, अपना नाम एक बार बता दीजिएगा पहले। जी, आप जा करके ना ऑफिस से जो जानकारी लेना है ले लीजिए। तो ऑफिस में है मैडम, यहाँ बताइए, बिना अनाज को मापे हुए लोड किया जा रहा है, कितना ये सही है? पाता है, ठीक है, जहाँ जा रहा है ना, डीलर को प्रॉब्लम होगा तो उसको तौल दिया जाएगा। आप देख लीजिए बोरा में वजन कम है, तब बात कीजिए। अच्छा मैडम, एक सवाल और, लास्ट सवाल है कि जितना भी आम पब्लिक का कंप्लेन होता है उसमें होता है क्या कि एक यूनिट पे 5 रुपए ज्यादा लिया जाता है और 1 kg वजन कम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं गोदाम से वजन कम जा रहा है तभी तो उसको कम मिल रहा है ना? आपको जो भी बात करना है ना, ऑफिस आकर के बात कीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑफिस आके हम बात करेंगे, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना मैडम कि आम पब्लिक का इतना ज़्यादा शिकायत है। या तो आप इसमें सम्मिलित हैं, या फिर डीलर सम्मिलित हैं, या एमओ साहब सम्मिलित हैं, सम्मिलित तो सब लोग हैं तभी तो हो रहा है ना। देख लीजिए ये फोन काट दी, सम्मिलित इसमें सभी लोग हैं और ऑफिस में हम घुस के बोल रहे हैं यहाँ अभी इस प्रखंड में कि यहाँ पे गलत किया जा रहा है, बिना मापे दिया जा रहा है, सम्मिलित सभी लोग हैं, सबको परसेंटेज जाता है तब ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें एमओ साहब सम्मिलित हैं, एजीएम साहब सम्मिलित हैं और बाकी डीलर तो है ही, सब अपना अपना कमाने के चक्कर में इसमें अगर पिस जाता है तो सिर्फ गरीब पिसता है क्या? अभी सच बोल रहे हैं ना भैया? नहीं बोलना चाहते इस पोस्ट पर यहाँ बैठे हुए, अगर बोल देंगे तो इनको 5,000 का नौकरी इनको उससे हटा दिया जाएगा, इनको झटका लग जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सच्चाई था आपको हम दिखाते रहेंगे, बाकी देखते रहिए सिल्क टीवी, धन्यवाद।